एग्जाम्पल रिलेटेड टू इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी इन एड्रेस, मीन्स जब भी आप किसी भी एड्रेस में किसी भी इंटीजर नंबर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कराओ, देन इस केस में टोटल डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस. सपोज दैट यू आर हैविंग एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, देन वी वांट टू इंक्रीमेंट सब इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, मीन्स इंक्रीमेंट मीन्स मे बी 1, 2, 3 एनी वैल्यू और एनी नंबर्स लाइक दैट. अगर आप 1 से इंक्रीमेंट करा रहे हैं तो रियल में इसमें इंक्रीमेंट कितने से होगा, मल्टीप्लाई बाई टाइप ऑफ एड्रेस, मल्टीप्लाई बाई टाइप ऑफ एड्रेस. अगर एड्रेस इंटीजर टाइप का है देन इंक्रीमेंट या मल्टीप्लीकेशन कितने से होगा, 2 से. अगर एड्रेस कैरेक्टर टाइप का है देन इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से. अगर एड्रेस फ्लोट टाइप का है देन इंक्रीमेंट कितने से होगा, 4 से, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल्स एड्रेस इज 100, अगर मैं इंक्रीमेंट कराता हूँ 2 से या 5 से या 1 से, 1 से इंक्रीमेंट कराता हूँ मल्टीप्लिकेशन कितने से होगा, अगर ये एड्रेस कैरेक्टर का है देन 1 से, अगर एड्रेस इंटीजर का देन मल्टीप्लाई बाय 2, अगर एड्रेस फ्लोट का देन मल्टीप्लाई बाय 4. इस केस में इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वन, इन दैट केस वी आर डिक्लेयरिंग प्रोवाइडिंग 3 वेरिएबल डिक्लेरेशंस एक्स वाई जेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. एक्स का टाइप क्या है इस केस में, कैरेक्टर. सपोज दैट this is the location x having address as 100, another location is y having address as 200, another location is z having address as 300. this is not actual address, means aap stack ke form mein isko consider kar sakte ho. address of x is 100. first case mein agar jab is program ko execute karna start karenge, first case mein kya display kar raha hai, address of x diagram ke according x ka address kya hai 100, isliye रिप्लेस क्या हुआ 100. एम परसेंट ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या होगा 100, मीन्स 100 प्लस 1. इसे यहाँ 100 किस टाइप का एड्रेस है, कैरेक्टर टाइप. एक्स का टाइप क्या है, कैरेक्टर. कैरेक्टर टाइप का एड्रेस इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ एड्रेस, टाइप ऑफ एड्रेस. एड्रेस किस टाइप का है, कैरेक्टर. कैरेक्टर के साइज क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई 1, मीन्स रियल में इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा, ओनली सिंपली 1 से. इसलिए आउटपुट क्या है इस केस में, क्या रिप्लेस होगा 101. फर्स्ट केस में डिस्प्ले होगा 100 एंड 101. सेम इंक्रीमेंट वाई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म हो रहा है. वाई का एड्रेस क्या, डायग्राम के अकॉर्डिंग 200. एड्रेस ऑफ वाई प्लस 1 200 प्लस 1, या इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से, क्योंकि एड्रेस किस टाइप का, इंटीजर टाइप का. इंटीजर का साइज क्या रहता है 2 बाइट, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से. 200 प्लस 2 इज 202. सभी केस में फिजिकली 1 से इंक्रीमेंट कर, लेकिन डिफरेंस कितने का सुरा, फर्स्ट केस में डिफरेंस कितने का था 1 का, सेकेंड केस में डिफरेंस कितने का है 2 का. देन एड्रेस ऑफ जेड, जेड का एड्रेस क्या इस केस में 300 प्लस 1, इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 से, क्योंकि जेड का टाइप क्या था फ्लोट, और फ्लोट का साइज क्या रहा था 4 बाइट, और फ्लोट पॉइंट कितने बाइट्स पॉइंट करता था 4 बाइट्स. इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 से, इसलिए इस केस में डिफरेंस कितने का होगा आपको 4. मीन से जब आप इस प्रोग्राम को रियल में सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे तो ना आउटपुट कुछ भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस कितने का होगा फर्स्ट केस में 1 का, सेकेंड केस में 2 का, और थर्ड केस में 4 का.